मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि झीरम हमले के 11 साल पूरे होने को हैं, लेकिन पीड़ितों को न्याय अब तक नहीं मिला है। भाजपा सरकार ने हमेशा झीरम की जांच को रोकने का प्रयास किया है। हमने कई बार NIA से झीरम की जांच के लिए फाइल सौंपने कहा था। तत्कालीन लोगों की भूमिका थी, इसलिए जांच होने नहीं दी गई। जेब में सबूत रखने के बयान पर भूपेश बघेल ने कहा कि विजय शर्मा सत्ता में बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के गिरबान में हाथ डालने का अधिकार ही मिल गया हो। उन्होंने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनने जा रही है, उसके बाद NIA सही दिशा में जांच करेगी। 4 जून तक प्रतीक्षा करिए, उसके बाद हमारी सरकार सभी चीजों को स्पष्ट कर देगी। इसलिए नहीं मिला है कि NIA ने, हमने बार बार कहा कि आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट आपने सबमिट कर दी, हमें जांच सौंप दें राज्य सरकार को। उन्होंने सौंपा नहीं। और गृह मंत्री से जब यहां आए थे, मध्य क्षेत्र की बैठक हुई जिसमें उपाध्यक्ष मैं था, उसमें भी मैंने मांग उठाई और अनेक पत्राचार है, राज्य सरकार उसे निकाल के देख ले। मैंने NIA को भी पत्र लिखा था, होम मिनिस्ट्री को भी लिखा था, होम सेक्रेटरी के सेक्रेटरी लेवल के भी, और आखिर उन्होंने कहा चिट्ठी मत लिखिए, हम लोग आपको दे नहीं पाएंगे। इसका मतलब ही ये है कि उसमें षड्यंत्र हुआ था जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मजाक कर रहे हैं कि आपकी जेब में है। मतलब विजय शर्मा की हिम्मत है कि मेरी जेब से निकाल ले, निकालने की बात कर रहा है। आप सत्ता में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी गिरेबान में आपको हाथ डालने का अधिकार मिल गया। आपको किसने अधिकार दे दिया? उसे जेब से निकालना पड़ेगा। और NIA की जांच क्यों नहीं की? अब हम सरकार में आ रहे हैं, NIA सही दिशा में जांच करेगी। केंद्र में हम सरकार में आते हैं तो NIA जांच करेगी। NIA पंगु बनाकर रखा है, ED IT को पंगु बनाकर रखा है, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ये स्थिति सरकार की।